तो दोस्तों ये कंपनी फिलिप्स कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बड़ी MNC कंपनी है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अभी मैं यहाँ पे जॉब वैकेंसी का पता करने के लिए आया हूँ। तो अभी मैं हूँ सावरवाड़ी में और ये कंपनी है फिलिप्स, जो कि दोस्तों पुणे के अंदर चाकियान MIDC है और चाकियान के अंदर ये सावरवाड़ी ये जगह है और बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है फिलिप्स। वैसे कौन नहीं इस कंपनी के बारे में सुना होगा और इसका प्रोडक्ट वगैरह यूज़ किया होगा। जितने भी अपने मैक्सिमम लाइट वगैरह ट्यूब लाइट आते हैं, इस्त्री करने वाली मशीनें होती हैं, आयरन होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे प्रोडक्ट, चाहे हेडफोन हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर के छोटे छोटे प्रोडक्ट, इक्विपमेंट्स हो गए, सारे चीज़ दोस्तों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फिलिप्स के ही बनाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी अच्छी MNC कंपनी है। तो मैं अभी कंपनी के गेट पे जाता हूँ जॉब वैकेंसी के बारे में पता करने के लिए कि यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं, वैकेंसी है किन लोगों के लिए है और कंपनी में फैसिलिटी क्या होता है, बस कैंटीन और किस बेस पे यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होता है, कब कब ज्वाइनिंग होता है, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन लूँगा दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए मैं पहले गेट पर जाता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी अच्छी कंपनी है और ये दोस्तों कंपनी जो है ना मेन रोड के जस्ट बगल में ही कंपनी है और ये कंपनी में बस वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब बस वगैरह है तो कंपनी का ही बस होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे, देखता हूँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से और पूछने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और देख रहे हैं एक एक करके सब लोगों का यहाँ पे चेकिंग होता है कि अपने मोबाइल वगैरह या फिर तंबाकू वगैरह तो लेके नहीं जा रहे हो। सर वैकेंसी की पता नहीं चले। और दोस्तों इस कंपनी में है ना मेल फीमेल हर लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, देख रहे हो सब यहाँ पे जॉब कर रही थी, अभी यहाँ पे सबका आउट हो रही है यहीं से। और दोस्तों ये जो है ना मतलब भंबोली गांव है, भंबोली गांव से जस्ट बगल में ये कंपनी है फिलिप्स। और दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के साथ साथ ये मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ECG वगैरह हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में CCTV कैमरा, उसके बाद हाउस मतलब घरों में यूज होने वाले बहुत सारे चीज़, मिक्सर ग्राइंडर आयरन इस्त्री करने वाले मशीनें, ये सब बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा ही होगा जैसे कि आपका LED जो होता है वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मेरे कहने का मतलब है जो आपका जो कंप्यूटर में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो यहाँ पे आ ही सकते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रिकल वाले भी आ सकते हैं। वैसे अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताया दोस्तों कंपनी के बारे में। यहाँ पे देख रहे हो कितने यहाँ पे कंपनी के बस पर है, सारे कंपनी के बस है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों मैंने देखा ना कम से कम 20-25 यहाँ पे कंपनी की बसें थी। वैसे एज ए नेप्स वालों को ये बस की फैसिलिटी देता है, कुछ पैसे चार्जेस के रूप में कटता है, मतलब 200-500 रुपये कटेंगे, लेकिन आपको फैसिलिटी जरूर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कहीं पे भी रूम लेके रह सकते हो, मान लो आप अगर बम्बोली गांव में बगल में गांव पड़ता है जहाँ पर आपको रूम वगैरह देखने को मिलेगा। और अभी आप कहाँ पे कहीं से आओगे भी ना दोस्तों कि मतलब इसके आसपास बहुत सारा आपको कंपनी देखने को मिल जाएगा। बगल में आपका मैकेनिकल कंपनी मार्शल है, जो कि बहुत ही अच्छी मैकेनिकल कंपनी है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो अगर आप मैकेनिकल वगैरह से आपका डिप्लोमा ITI फीटर वगैरह से हुआ है तो, नहीं तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से हुआ है तो आप यहाँ पे आई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं गया था कंपनी गेट पर जॉब वैकेंसी के बारे में पता करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से, तो उसने हमें डायरेक्ट मना कर दिया कि मतलब अभी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। मैंने उसे पूछा यहाँ पे मतलब कैंटीन बस रहता है क्या, उसने बोला सब कुछ रहता है लेकिन यहाँ पे अभी वैकेंसी नहीं है। फिर अभी मतलब शिफ्ट ख़त्म हो रहा था तो कुछ बंदे आ रहे थे, तो मैं उनसे पूछा कि भाई किन किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, उसने बोला रहता है ना ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, BTech वालों के लिए वैकेंसी रहता है, एज ए नेप्स ट्रेनिंग पे रहता है। तो आप देख लो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो फिलिप्स कंपनी के गेट पे जो कि सावरवाड़ी में है, ये दोस्तों अगर आप अलग स्टेट से आते हो तो पुणे स्टेशन उतर जाओ, वहाँ से भोसरी आ जाओ, भोसरी से चाकन चौक आ जाओ, चाकन चौक से दोस्तों आप HP चौक आ जाओ, HP चौक से दोस्तों आप ऑटो पकड़ लो फिलिप्स कंपनी के लिए, बोल दो ऑटो वाले को HP चौक उतरने के बाद कि हमें फिलिप्स कंपनी जाना है, तो आपको उतार देंगे। पुणे स्टेशन से दोस्तों आपको अराउंड 30 रुपया लेगा भोसरी आने का, और भोसरी से आपको दोस्तों 20 रुपया लेगा चाकन चौक आने का, चाकन चौक से आपको दोस्तों 30 रुपया अराउंड आपका लेगा यहाँ आने का, HP चौक आने का, HP चौक से 20 रुपया लेगा दोस्तों। ये सब चीज़ों का आप बस से यूज करोगे ट्रेवलिंग तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पैसे बचेंगे, हर एक जगह से दूसरे जाने के लिए 5 से 10 रुपये आपका बच जाएंगे, इसीलिए बस का यूज़ करो। गवर्नमेंट का जो बस आता है PM PML का, उसका यूज़ करो। तो डायरेक्ट कंपनी गेट पे आने के बाद दोस्तों मैंने जैसे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, आप ऐसे पूछ सकते हो सर वैकेंसी है कि नहीं, अपने आप से पूछेगा आपका क्या क्वालिफिकेशन है,
तो अगर आपका टेक्निकल कोर्स रहेगा, टेक्निकल डिग्री का रहेगा, तो आपका एच ए नेफ्स पे भर्ती हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आई टी वाले को 14, डिप्लोमा वाले को 15 और बीटेक वाले को 16 तक सैलरी देखने को मिलता है स्टेपनेट के रूप में। बस और कैंटीन की फैसिलिटी आपको फ्री में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे आना चाहते हो तो पहले जॉब फिक्स कर लो। यहाँ पे आने के बाद अभी वैकेंसी नहीं है, आप जब आओगे तो एक बार जरूर सर्च करो। आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जॉब और काम भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आ सकते हो। वैसे नॉन टेक्निकल 10th 12th वालों के लिए वैकेंसी रहता है, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए रहता है, उन लोगों के लिए भी रहता है। उन लोगों के 12,000 12,500 या फिर 13,000 सैलरी रहता है। तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों लोगों के लिए वैकेंसी रहता है। अभी फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। आप यहाँ पे रूम वगैरह भी ले सकते हो, बम्बोली में रूम ले सकते हो। यहाँ से बम्बोली एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारा आपको रूम देखने को मिल जाएगा। ऐसे मिलेगा नहीं, सर्च करना पड़ेगा रूम भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आने के बाद हमें पता चला, पता क्या चला, बार बार हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। वो बोलते हैं कहीं अप्रेंटिसशिप किए हो क्या, मैं बोलता हूँ अप्रेंटिसशिप कर लिया है, तो बोलता है कि यार अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए था, तब आपके यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में हो जाता। मतलब दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो तो सोच समझ के अप्रेंटिसशिप वगैरह करना, कि दोस्तों एक बार अप्रेंटिसशिप करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा अप्रेंटिसशिप करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अच्छा आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलना है तो ही आप जॉब पकड़ो या फिर अप्रेंटिसशिप करो, नहीं तो तब तक वेट करते रहो जब तक कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल जाता है। नहीं तो दोस्तों आप अलग काम में अप्रेंटिसशिप कर लोगे और फिर चेंज करना चाहोगे, फिर दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहोगे, तो आप पॉसिबल नहीं है, आपको कंपनी इसके लिए अलाउ नहीं करता है, याद रखना हमेशा। इसीलिए अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढो, कंपनी ढूंढो जहाँ पे भी वैकेंसी चल रहा होगा। तो बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, सर्च करो, देखो, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन लो, तब जाके दोस्तों कंपनी ज्वाइन करो। तो ये फिलिप्स कंपनी है दोस्तों, अगर आप आना चाहते हो 2-4-5 दिन या फिर इस वीक रुक जाओ, उसके बाद आप गेट पे आओ पता करने के लिए। वैकेंसी रहेगा तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिए। और एज का जो इश्यू है दोस्तों आपका, अगर नेप्स पे बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम आता है एज का दोस्तों, नेप्स पे अगर ज्वाइनिंग होता है तो एज लिमिट 30 देखा जाता है, पास आउट नहीं देखता है, एज आपका 30 चलेगा, पास आउट कभी का हो चलेगा। तो एज मतलब 30 से प्लस नहीं होना चाहिए, 18 और 30 के बीच रहना चाहिए, मतलब 18 और 30 के बीच रहना चाहिए, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। बात दोस्तों बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आने के बाद हमें मिला फिलिप्स कंपनी के बारे में। दोस्तों मेरा टारगेट ये नहीं रहता है कि मैं आपको वैकेंसी बताऊं, नहीं, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी में किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, हर चीज़ के बारे में, आसपास का एरिया कैसा है, आसपास आपको रूम वगैरह नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर चीज़ के बारे में दोस्तों मेरा टारगेट यही रहता है। ये नहीं कि वैकेंसी तो रहता ही है, मतलब वैकेंसी का क्या है, 5-6 कंपनी घूमोगे तो एक कंपनी या 2 कंपनी वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगा। वैकेंसी का कभी टेंशन नहीं लेना दोस्तों, लेकिन कंपनी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेना, जिस कंपनी में आप जा रहे हो आपका वहाँ पे लाइफ क्या होने वाला है, ये सबसे बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बात दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ फिलिप्स कंपनी के बारे में समझ में आ गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम आता है कॉमेंट कीजिए। मेल फीमेल हर लोग के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहता है, फीमेल लोगों के भी डरने की जरूरत नहीं है, हर लोग यहाँ पे आ सकता है। तो बात दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।